हेलो माय एटम्स आर्मी, हेलो माय लवली बच्चा लोग। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे हैं एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी हेल्थ में हैं। आई रियली वांट टू नो हाउ यू ऑल आर फीलिंग टुडे। हाँ, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जब अनुभा मैम आपको पढ़ा रही है, पूरे दिन के बाद इस टाइम पे आप लोग क्या फील कर रहे हैं, कैसे हैं, दिनचर्या कैसी चल रही है, जिंदगी कैसी चल रही है? दो आई एम होपिंग के बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि हम आपके टीचर्स हैं और हमेशा चाहते हैं कि आप लोग सही रहो, ठीक रहो, अच्छी हेल्थ में रहो और तरक्की करते रहो। हाँ, सो ऑन दैट नोट, माय नेम इज अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, योर अनुभा थॉर मैम, योर एजी मैम, योर छोटू मैम। आई एम काइंड ऑफ नोन विद सो मेनी नेम्स, विद सो मच लव ओनली आई टेक दोज नेम्स, के जिन लोगों से हम प्यार अफेक्शन शो करते हैं ना, उन्हीं को ऐसे नेम देते हैं। कभी कभार मैं खुद को ऐसे ऐसे नाम भी दे देती हूँ। सम टाइम आई एम लाइक आई लव माई सेल्फ एंड देन आई एम लाइक ओके, बहुत जरूरी है खुद को प्यार करना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता है ना जब हम खुद को सेल्फ हेट करने लगते हैं। तो दिस इज जस्ट वन थिंग दैट यू कैन लर्न टूडे फ्रॉम एजी मैम, अपने आप से प्यार करो, ठीक है? बहुत ज्यादा बड़े क्रिटिक मत बनो खुद के, गलती करो तो बोलो खुद को इट्स ओके, आई लर्न फ्रॉम इट, दिल पे नहीं लूंगा, इतना खुद के ऊपर हार्श नहीं होऊंगा कि होंगी और बस काम करते रहेंगे कि उसको कैसे बेटर कर सके। दैट्स इट, मंत्रा ऑफ लाइफ फ्रॉम एजी मैम। करने क्या वाले हैं, जोक्स अपार्ट, ये सारी बातों को साइड में रखते हुए आज हम करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का थर्ड सेशन। मैं दो सेशन से इसी बात पे एम्फोसाइज कर रही हूँ बार बार कि स्टूडेंट्स, दो ये चैप्टर टर्म टू में आने वाला है। मैं अभी क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पहली बात हम ऑलरेडी दो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, दिस इज सपोज टू बी द थर्ड चैप्टर और हमें करना ही है। अभी पढ़ाने का मतलब है मैं आपको मौका दे रही हूँ कि नवंबर दिसंबर तक दो तीन बार ऐसे पढ़ लो कि इस चैप्टर के प्रो हो जाओ, ताकि नाइन्थ क्लास में ही नहीं, टेंथ क्लास में भी आपको प्रॉब्लम ना आए। टेंथ क्लास के सारे बच्चे सफर करते हैं, सीक्रेट बता रही हूँ, क्योंकि वो ना इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके नहीं आते। मॉलिक्यूलर मास, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वैलेंसी क्या होती है, कॉन्फिग्रेशन। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सारे चैप्टर, आई मीन ये पूरे चैप्टर के सारे सेशंस ढंग से देख के नोट्स बना लो, शॉर्ट पॉइंट्स, और टर्म वन में ही कंप्लीट कर लो उसको एडवांस में, ताकि बाद में बर्डन ना पड़े, वरना बर्डन पड़ जाएगा, ठीक है? तो लास्ट सेशन में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से एटम के बारे में डिटेल से बात की थी, उसका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात की थी। आज अगर ध्यान से सुनते हो पूरे सेशन को और आखिर तक रुकते हो, मॉलिक्यूल इज मोर ऑफ लाइक अ मिस्ट्री दैट यू शुड नो इट प्रॉपरली। देखेंगे कि एटम्स यू नो क्यों, मतलब इतने उतावले होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करने को, क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल जब बन गया आप उसका मास कैसे निकालोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आता है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू मास्टर इट। जब भी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसी टाइम मार्क करा दूंगी कि इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स करते रहो, नोट करते रहो, ठीक है? चलो फिर शुरू करेंगे एंड आई होप आप स्वागत फील कर रहे हो। मैम को भी थोड़ा बोलो कि मैम ये गोल्डन हार्ट आपके लिए। हाँ मैम लव्स गोल्डन हार्ट, मैम का गोल्डन हार्ट है क्या? आई लव येलो कलर, तो येलो वाला दिला एजी मैम के लिए। एंड आई हैव टू से रियली वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स नए होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, अभी नहीं तो मे बी एक महीने बाद, दो महीने बाद। आप सबका वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है एंड आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सफर, सफरनामा ऑफ बीइंग अ वेदांतु स्टूडेंट्स। या तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी प्रिपेयर कर सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब कुछ एक साथ पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश SST एक ही चैनल पे विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। या ओके, एंड यू कैन फॉलो अनुभा मैम ऑल्सो ऑन इंस्टा। तो देयर वाज अ होल बिग वीडियो कि अनुभा मैम के ब्लूपर बहुत फेमस हुए थे, जहाँ पे वो इंस्टा और टेलीग्राम में कंफ्यूजन होती, इंस्टाग्राम टेलीग्राम, मुझे पहले सब सेम सेम ही लगता था, बट नहीं, इंस्टाग्राम पे मैम का अकाउंट है वेदांतु_अनुभा गौर, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, यू ओके।
अभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो स्टूडेंट्स ढंग से काम करते हैं ना, बहुत सीरियसली और बहुत कंसिस्टेंटली सारे सेशन देखते हैं, बहुत डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, फन जरूरी है, एंड आई मेक श्योर कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजॉय करते रहे, बट जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट बने रहे सारे सेशंस में, आप जो मैं काम दूँ उसको दिल से मन लगा के करें। तो ये टाइम है टू अप्रिशिएट दोज पीपल जिन्होंने होमवर्क का करेक्ट आंसर ही नहीं दिया, पूरा सेशन देखा, ढंग से ऑब्जर्व किया और अच्छे से पूरा आंसर लिखा है कंसिस्टेंटली हर सेशन में इन जनरल। तो ये तालियां आप लोगों के लिए, और आज तालियां ही नहीं मिलेगी, आज एक और चीज मिलेगी, मैम से फिस्ट बम्प। कम ऑन स्टूडेंट, सच अ ग्रेट जॉब, ये नया शुरू किया है, फिस्ट बम्प आप भी कर सकते हो, मैम का एक्शन टू अप्रिशिएट यू ऑल। सो दिया, सच एन अमेजिंग जॉब, आपके इतने, एक नहीं इतने सारे मैसेज मिले, एंड हैप्पी बर्थडे। नाउ इट्स बिलेटेड बट थैंक यू सो मच बच्चा। विनीता, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग जॉब, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है और अच्छा लगा, आपको सेशन मजेदार भी लगा। तो चलो ऑन दैट नोट शुरू करते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, राइट अवे हाई फाई भी दे दो मुझे, बाकी सबके लिए हाई फाई। हाँ, आज की क्लास का मोटिवेशन, हाई फाई स्टूडेंट्स। एंड शुरू करने से पहले क्वेश्चन ये आता है जो लास्ट क्लास में मैंने पूछा था कि एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, आज की क्लास में आंसर मिलेगा, और मिल गया। ऑन अ फनी नोट, यू नो व्हाट आई हैव टू से, नेवर ट्रस्ट एन एटम, ट्रस्ट तो करना ही नहीं है एटम पे, बिकॉज यू नो दे विल बी लाइक, वी डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, एंड समहाउ दे मेक अप एवरीथिंग, दे गिव अस मॉलिक्यूल, दे गिव अस कंपाउंड, दे गिव अस ऑल द मैटर। हाँ, तो दे कैन मेक अप फॉर एवरीथिंग, बच के एटम से, सैडली हम बच के भी नहीं रह सकते। चलो लिटरली ऑन दैट नोट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे वो मेकअप कर लेते हैं टू मेक एवरीथिंग, उनकी एक कमजोरी है, वो अकेले नहीं रह सकते, दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो वो करते क्या है ना स्टूडेंट्स, वो कोशिश करते हैं बाकी एटम के साथ कंबाइन करने को, और कंबाइन करने के लिए अगेन वो करते क्या है, कंबाइन करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन इज समथिंग जो एटम के अंदर सबसे लास्ट में जुड़ा होता है, वीकली बाउंडेड होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो एटम जो है ना वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, बीच में होता है मेरा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होते हैं, फोर्थ चैप्टर में डिटेल से भी पढ़ेंगे, और न्यूट्रॉन होते हैं, सारा मास सेंटर पे है, और इलेक्ट्रॉन नाम की जो चीज है इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जिसका नो चार्ज, जीरो चार्ज, ये चीजें होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर मास ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन नाम का एक और पार्टिकल होता है जो बाहर इस न्यूक्लियस के घूम रहा होता है शेल में, ये समझ लो मेरे पास क्रिकेट ग्राउंड है तो मैच बीच में चलता है, उसकी एक बाउंड्री होती है ना, बाउंड्रीज लाइक वहां पे सोचो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे होते हैं ना, अब ये एक एटम है मान लो, ये दूसरा एटम है, तो एक एटम दूसरे एटम को बोलता है, यार चाहिए क्या जिंदगी में तुझे, मुझे चाहिए क्या, स्टेबिलिटी तो चाहिए, और हम एक दूसरे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यही तो जिंदगी है। एक काम करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं, लेट्स मेक अ फैमिली, ठीक है। तो सम टाइम एटम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दे कंबाइन देमसेल्फ बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और कभी कभी दे हैव अनदर अप्रोच, अनदर अप्रोच इज मोर ऑफ लाइक, एक एटम बन जाता है मोर ऑफ लाइक अ किंग, और दूसरा बन जाता है मोर ऑफ लाइक अ बेगर। तो किंग का काम क्या है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सोना चांदी है, तुम्हें चाहिए बेगर, चलो थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, दे देते हैं। इन अ वे इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा के उसको दे देता है जिसको जरूरत है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है नेगेटिव को दे रहा है, पॉजिटिव बच जाएगा, एटम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। एंड दैट्स हाउ आल्सो योर एटम्स कंबाइन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके भी जुड़ जाते हैं, दे कंबाइन टूगेदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, दैट एटम्स टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी करने का मतलब कि उनके लास्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो जो कि स्टेबल होने के लिए चाहिए, और उनके लिए एग्जाम्पल कौन है, नोबल गैस। नोबल गैस हमें कहती है बी लाइक मी,
है ना, हमारे पेरेंट्स हमेशा कुछ बच्चों के एग्जाम्पल देते ना हमें, उसके जैसे बनो, शर्मा जी के बेटे जैसे बनो, माथुर जी की बेटी जैसे बनो, जस्ट एन एग्जाम्पल, टेक अवे इज, तो उसी तरीके से इनका आइडल कौन है, नोबल गैस, उसके लास्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो बहुत स्टेबल होता है, बोलता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम द वन हु कैन बी अलोन स्टेबल, तो इनके लिए वो हमारा आइडल नेता है कि हम भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं नोबल गैस, और उसी कॉन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, पहला शेल बेचारा इतना छोटू होता है दैट कैन ओनली हैव 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल को छोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन रूल, बाकी के शेल तब स्टेबल होती है जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसी 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन एंड मेक अ फैमिली, लेट्स कंबाइन टुगेदर, लेट्स मेक अ फैमिली, लेट्स मेक अप फॉर एवरीथिंग, समटाइम दे लूज इलेक्ट्रॉन, अदर विल गेन दिस, एंड उसकी वजह से भी they'll get opposite charge, positive and negative, and they combine together. तो इस तरीके से compounds, इस तरीके से species बनती है by sharing, losing and gaining electron. जहां तक हुई बात ions की जो मैं यहाँ बता रही हूँ कि atom losing electron, making a positive ion, gaining electron, negative ion. Ion क्या होते हैं? Charge particle. एक ऐसा atom जिसके ऊपर charge आ जाए, positive या negative. इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी हम इसकी बात करते हैं कि एटम शेयर करके कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, और एग्जांपल अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हीलियम इज वन ऑफ द एग्जांपल, वो आइडल है, तो वो शर्मा जी का बेटा है, यहाँ पे हीलियम है, ठीक है, कि हीलियम से सीखो, जैसे वो स्टेबल है अकेला, तुम अकेले स्टेबल नहीं हो सकते, कम से कम फैमिली बना के स्टेबल हो जाओ, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से सिर्फ इसलिए कंबाइन कर रहा है ताकि उसका जो शेल है वो एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन शो करे, so with oxygen, so the same case with chlorine and ozone and sulfur. So atom kaise exist karte in general apart from noble gases, they combine and make molecule. पर अगर मुझे आपको एक डिटेल स्टेटमेंट देनी हो कि बच्चा लोग मॉलिक्यूल क्या होता है, समझा जाए अच्छे से, समझ लेते हैं. मॉलिक्यूल है इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को क्या बोल रहा है, चलो हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ना जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, क्या बन गया, मॉलिक्यूल. कंबाइन कैसे करता है, बाय मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर, व्हेन दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन, दे विल डेवलप सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट, दैट्स व्हाट अ मॉलिक्यूल इज, एटम्स का जुड़ना. एक और एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, घर में पानी पीते हो ना, पानी कैसे बनता है, फॉर्मूला इज H2O, घर के लोगों को तंग करना है, मॉम ब्रो कैन यू पास H2O टू मी, H2O2 मत बोल देना, वो डेंजरस है. तो इसमें हुआ क्या, ये दोनों हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाते हैं, क्यों, जस्ट टू अचीव स्टेबिलिटी, तब जाके बनता है H2O मॉलिक्यूल. तो दे डेवलप अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड मॉलिक्यूल इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैन लिव अलोन, क्यों, फैमिली तो बना ली ना, अब हम खुश हैं अपने आप में, तो मॉलिक्यूल कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ओके, दैट कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता एजी मैम की राइटिंग थोड़ी सुधर गई है लास्ट ईयर से? ओके, आई एम ट्राइंग, मतलब थोड़ा पेशेंस कम हो जाता है कभी कभी लिखने में, थोड़ी लिखने की चोर हूं मैं, बट हाँ. तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल को और डिफाइन करना, क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट्स केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. थोड़ा सा मैम टर्म में ना थोड़ा ट्विस्ट आ गया, कोई एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, यहां से पता चला, और कोई कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है. कैसे, सेकेंड चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम एटम, तो अगर वो मॉलिक्यूल सेम एटम की वजह से आया है तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का था. हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, है ना, नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, क्यों, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सेम एटम, बट दे एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल फॉर्म, क्योंकि तभी वो स्टेबल होते हैं. कंपाउंड लाइक वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वो मॉलिक्यूल है जो कंपाउंड से बनते हैं. कंपाउंड क्या होता है, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं केमिकली. तो मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, जो एलिमेंट से आता है, जो कंपाउंड से आता है. एलिमेंट सेम एटम जब जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड
जो डिफरेंट एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं. सिंपल, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज मॉलिक्यूल. राइट, तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी. चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से दोनों केस के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. तो एग्जांपल देख लें, ये मतलब आज की क्लास में जो बेस्ट आंसर देगा ना, कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगी, नेक्स्ट क्लास में नाम भी लूंगी, उसको क्राउन मिलेगा, सल्फर का क्राउन. क्यों, ये देखो सल्फर की स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री सो ब्यूटीफुल, क्राउन टाइप की स्ट्रक्चर होती है. सल्फर एग्जिस्ट करता है नेचर में S8 की तरह, और सारे आठ सल्फर एक दूसरे से जुड़ते क्यों है, जस्ट टू गिव स्टेबिलिटी टू ईच अदर. दे आर लाइक वी आर फैमिली, वी आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू ईच अदर, और उसके लिए आठ सल्फर लग जाते हैं. देखो क्राउन टाइप की बनाना कैसे, सिंपल तरीका बताऊं, धमाल मूवी देखिए, बड़े डब्लू के नीचे पैसा है, तो बड़ा डब्लू बनाओ, बड़ा डब्लू के नीचे सोचो, थोड़ा सा कारीगरी करनी है कि आपको उसको डबल लाइन करना है, नीचे किया ऊपर किया, नीचे किया ऊपर से जोड़ा, डबल लाइन कर दिया उसको, हाँ के तब अच्छा लगता है. और ये मोर ऑफ लाइक क्राउन, लेट्स सी सल्फर का क्राउन किसको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क का आंसर देना अच्छे से. ये पांच कोने हैं, पांच सल्फर रख दो, तीन कोने हैं, तीन सल्फर रख दो, हर कोने पे सल्फर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर. एलिमेंट है बट कैसे एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है. और जितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं ना उस मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है. इजंट इट सिंपल, कि जितने नंबर ऑफ एटम है एक मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है. तो हाइड्रोजन है H2, मतलब इस मॉलिक्यूल को बनाने में दो एटम लगे, इसकी एटॉमिसिटी है 2. ऑक्सीजन को दो एटम लगे, इसकी एटॉमिसिटी है 2. इनको हम एक टर्म से बुला सकते हैं, डाई एटॉमिक, दे आर मेड अप ऑफ 2 एटम, डाई का मतलब 2, राइट. ऑल राइट, तो मोनो एटॉमिक क्या होता है, इससे क्या पता चला, एटॉमिसिटी जरूरी नहीं है सिर्फ डाई एटॉमिक हो, और भी हो सकती है. मोनो का मतलब होता है 1, एटॉमिक मींस एटम, एक एटम जो एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्म में, वो उसकी एटॉमिसिटी 1. और वो कौन होते हैं पता है, थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट सेक्शन में बताओगे जल्दी से, चैट सेक्शन में बताओगे जल्दी से, क्या था वो जो अकेला एटम की तरह एग्जिस्ट कर सकता है. ओके, नोबल गैसेस, एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इतना ही काफी है. और आपकी मेटल्स, मेटल्स भी सिंगल एटम की तरह मोनोटॉमिक फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, सोडियम Na, पोटाशियम K, कैल्शियम Ca, जिंक Zn, कॉपर Cu, समझ रहे हो, मोनोटॉमिक है, एक ही एटम लिखते हैं. डायटॉमिक जिसमें दो एटम होते हैं, H2, N2, O2 मॉलिक्यूल को बनाने में, ट्राइटॉमिक जिसमें तीन एटम होते हैं, O3, ओजोन, पॉलीएटॉमिक जिसमें तीन से ज्यादा एटम होते हैं, लाइक P4, फॉस्फोरस, S8, सल्फर. इसको मैं टेट्रा एटॉमिक भी बुला सकती हूँ. क्या बुला सकती हूँ बच्चा लोग, टेट्रा एटॉमिक, तो चार एटम से बनता है, इसको ऑक्टा एटॉमिक. ओके, यस, जो एट एटम से बनता है. बट कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री को, सिंपली बोलो अगर तीन से ज्यादा एटम है ना, तो हम उसको पॉलीएटॉमिक बुला देते हैं. पॉली इज अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम, जो बहुत सारे एटम से मिलके बनाओ, ठीक है, जो बहुत सारे एटम से मिलके बनाओ. तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. बेस्ट पार्ट पता है क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स में मिल जाएंगे, तो कभी भी आप रिवाइज कर सकते हो, डाउनलोड करके PDF में डाल दूंगे, ठीक है. मॉलिक्यूल कंपाउंड की क्या है वो भी समझाया, जिसमें डिफरेंट जो एलिमेंट है वो कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है. ये जो फर्स्ट सेशन में नहीं पढ़ाया था कंपाउंड कैसे बनता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, H2O तब बनेगा जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक फिक्स मास लेके जुड़ जाएंगे. उनका जो रेशियो है ना दोनों के मास का, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. एक हाइड्रोजन एटम 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन एटम का मास है 2 यूनिट, और एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 यूनिट. तो जब मैं उसको सिंपल रेशियो में लिखूंगी 1:8, मास का रेशियो है. मास का रेशियो मतलब अगर एक रेशियो ऑफ मास में हाइड्रोजन ले रही हूँ, 8 ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा. यानी कि अगर ये 1 ग्राम है तो ये उसका 8 टाइम्स होगा, यानी कि ये 1 ग्राम है तो ये 8 ग्राम होगा,
ये 2 ग्राम है तो फिर ये 16 होगा, ये 3 है तो ये 24 होगा, ये 4 है तो ये 32 होगा, समझ रहे हो? इस ये उसका 8 टाइम्स है, देख रहे हो डिफरेंस? हाँ, तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है जब एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में ऐड होते हैं, चाहे वो कंपाउंड किस भी सोर्स से हम बना रहे हैं, पानी किस भी सोर्स से ले लो, चाहे मटके से ले लो, चाहे कुएं से ले लो, चाहे नदी से ले लो, सबका पानी फॉर्मूला सेम ही होगा, पानी का H2O, राइट? वंडरफुल दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स एंड दे शुड बी डिफरेंट। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं दे गिव अस मॉलिक्यूल। NH3 क्या है स्टूडेंट्स? अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अमोनिया, सिंपल है, इजी है, राइट स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ और एग्जाम्पल देखने के बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और आपको बतानी है। वाटर को लिखोगे, देखो H2O ऐसे जुड़ रहा है, अमोनिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, घबराना नहीं है, ये क्या है, बॉन्ड, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दो दो बॉन्ड बनाए हैं। इस बॉन्डिंग के बारे में डिटेल से हम 10th क्लास में सीखेंगे, अभी के लिए और कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड के क्यों है? बिकॉज व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइन एंड मेक अ बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर, दैट्स व्हाट अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सिंपल, गॉट इट? सो थम्स अप दे दो जल्दी से, थम्स अप हो जाए, हाई फाई हो जाए, यो मैम वी गॉट इट, यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सेम स्लाइड पे वही सब चीजें लिखिए, कैसे डिफरेंट एटम कंबाइन करके विल गिव अस मॉलिक्यूल। पर स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम मास के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल बनाते हैं इसका मास कैसे निकालोगे, बट डू यू नो दैट हाउ वेदांतु स्टूडेंट्स आर नाउ अनस्टॉपेबल? मैं क्यों बोल रही हूँ ये, कोई ना कोई एग्जाम का रिजल्ट आजकल आता है, बीट, जेई, बीट, नीट, चाहे वो NTSC का हो, चाहे वो बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट्स हो, एंड वेदांतु स्टूडेंट्स डिड फैंटास्टिकली, यू नो, अमेजिंग जॉब। एंड व्हेन आई से द सेम, आई एम नॉट टेलिंग जस्ट बाय सेइंग, नंबर्स है हमारे पास स्टूडेंट्स के, कि वेदांतु के जेई जिसने भी प्रिपेयर किया, so many students got 100 percentile response, 29 students in physics, 7 students in chemistry, 9 students in maths got 100 percentile response in this particular subject, and not even that, 27 students of Vedanta got 99.9 plus percentile, 694 students of Vedanta got 99 percentile, इन अ वे नटशेल अगर मैं बताऊं, एक स्टूडेंट 6 स्टूडेंट्स में से वेदांतु का 99% स्कोर कर रहा है, एक स्टूडेंट हर 2 स्टूडेंट में से 97+% स्कोर कर रहा है। तो कैन आई से दैट वेदांतु इज टॉपर का नया एड्रेस, एंड यू ऑल कैन डेफिनेटली बिकम अ टॉपर। मुझे पता है बहुत सारे ऑलरेडी टॉपर हैं, बहुत सारे अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेदांतु विल जस्ट गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ support, encouragement, zeal, proper preparation that you can trust. और offerings क्या क्या है अगर मैं बताऊं, ध्यान से सुन लो, बहुत सारे students will be definitely thinking of, you know, becoming a part of Vedantu, के सारी knowledge लोगे भी और promise भी मिलेगा। Vedantu improvement promise, कि आपकी पढ़ाई में improvement guaranteed है, वरना आपकी course fees आपको वापस दे दी जाएगी, कि आप Vedantu के long term का हिस्सा बने। आपने मेहनत की, 75% मिनिमम क्लास लगाई, आपने 75% टेस्ट असाइनमेंट भी अटेम्प्ट किए, तो सब कुछ इतने अच्छे से स्ट्रक्चर है, इम्प्रूवमेंट गारंटी है, और दोनों केस में आपका फायदा है, इम्प्रूवमेंट हुआ और क्या चाहिए, नहीं हुआ तो कोर्स फीस भी वापस मिलेगी। तो बिलीव इन VIP, बिलीव इन योरसेल्फ एंड अटेंड ऑल द लाइव क्लासेस ऑफ वेदांतु, क्योंकि हर क्लास में फन लेवल, अच्छे लेवल की क्विजेस भी होगी। क्विज क्यों, आप हर बार यहाँ मेंटी बोलते हो, वहाँ हर सेशन में क्विज होती है, क्विज के थ्रू वी मेक श्योर यू रिवाइज एवरीथिंग एंड यू कैन कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरक्टिव रीप्ले से क्या मतलब है, कि जब आप रीप्ले देखते हो ना, रीप्ले का मतलब सिर्फ रीप्ले नहीं है, रीप्ले जब आप देखोगे तो जो क्विज ऑलरेडी सब बच्चे अटेंड कर चुके हैं लाइव, वो भी आप अटेंड कर पाओगे और लीडर बोर्ड में अपना नाम भी देख पाओगे, ताकि आपकी पढ़ाई अनस्टॉपेबल हो, कोई इसे रोक ना सके, आपको इंटरैक्टिव स्टडी करने से कोई रोक ना सके, पार्टिसिपेट करने से ना रोक सके। सारा कंटेंट जो पढ़ाएंगे
उसमें हमारे फीडबैक के साथ डाउनलोड कर पाओगे। और तो और डाउट सॉल्विंग होगी हर क्लास में, क्योंकि मास्टर टीचर्स के साथ साथ आपको क्लास टीचर्स का सपोर्ट मिलता है। सेम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ज्वाइन करते हैं क्लास में टू सॉल्व योर डाउट्स। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा टू रिवाइज। हर चैप्टर के सेशन वाइज असाइनमेंट भी शेयर होंगे कि आप हर चैप्टर के प्रो बन जाओ। तत्व बुक्स मिलेगी अगर आप लॉन्ग टर्म का हिस्सा हैं तो। तत्व बुक्स इतनी स्पेशल क्यों है? नए पैटर्न पे भी बेस्ड है बहुत सारे क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग एंड ऑल। आपको बेटर प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करती है। एंड वो बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स में मिलेंगे। सम स्टूडेंट्स केम अप विद दिस थिंग कि मैम थोड़ा महंगा है। स्टूडेंट्स अनलिमिटेड ऑफरिंग्स है। अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स का मतलब क्या है कि इवन इफ यू ज्वाइन फॉर अ मंथ यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ चैप्टर बेस्ड कोर्सेस एंड दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज एनीथिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। एटम्स मॉलिक्यूल्स में प्रॉब्लम है 10 बार पढ़ो, योर चॉइस। वैसे एक दो बार में क्लियर हो जाएगा, जस्ट एन आइडिया। क्रैश कोर्स प्रोवाइड होंगे, मिड टर्म रिविजन कोर्स, फाइनल रिविजन कोर्स, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द वे वी गो इन द एंटायर ईयर इन अ लेस प्राइस। व्हेन आई से लेस, अकॉर्डिंग टू ऑल द ऑफरिंग्स। नाइन्थ क्लास मेरे दोनों बैच शुरू हो गए, 16th को अभी शुरू हुआ है, 30th को होने वाला है। एजी मैम के बैच का हिस्सा बनना है, देर मत करो, टाइम से आ जाओ। उसके बाद थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि टर्म वन आने वाला है। कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एजी मैम्स प्रो, तो एजी प्रो अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है देख ले जरा, चलो देख लेते हैं। छोटा कर देते हैं, छोटू मैम, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स जितना मैंने पढ़ाया था, देखो उसके केस बेस्ड क्वेश्चन भी करे हैं हमने। तो आज का जो सेशन देख रहे हो ये वेदांतु क्लास 9-10 जहां लिखा है शो मोर करो, यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक है। फ्री ऐप डाउनलोड करो, प्लेलिस्ट चेक करो, बोर्ड की इंफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ सपोर्ट द कॉज। आपको पता है वेदांतु हेल्प इंडिया लर्न इनिशिएटिव लिए हुए हैं और हेल्प कर रहा है बाय गिविंग 15+ crore rupees टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ यू नो इंडिया टू लर्न इन अ बेटर एनवायरनमेंट। और आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सपोर्ट द सेम कॉज। या अभी देखो कहाँ है लिंक, कहाँ है ये रहा, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, सब्सक्राइब किया क्लास 9। आपको CBSE चाहिए, 3 प्लान है, लाइट, क्लासिक, प्लस, कोई भी चूज करो। YIC क्लासिक एंड प्लस इज अ बिट बेटर बिकॉज ऑफ अ वेरी स्पेशल फीचर, और वो है डाउट सॉल्विंग, जो मुझे लगता है हर स्टूडेंट्स की नीड है। आपको क्लास के किसी भी टाइम पे डाउट आए आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो उसको, एज इन 8 AM से 11 PM डाउट आए सॉल्व करो, डाउट ऐप पे डालो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। अच्छा उसका मतलब ये नहीं होता मैम चैप्टर समरी दे दो इस चैप्टर के, दैट्स नॉट अ डाउट। आप पढ़ाई कर रहे हो कुछ चीज समझ नहीं आ रही, दिस विल बी रियली हेल्पफुल। क्लासिक और प्लस में है, प्लस में एक और एडिशनल फीचर है पर्सनल मेंटर, कि मैम टीचर का सपोर्ट चाहिए प्रॉपर, तो यहाँ से मिलेगा पर्सनल मेंटर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू सॉल्व योर डाउट्स, कोई और दिक्कत हो तो। ठीक है, अब बेस्ट पार्ट, कोई भी प्लान है मैं क्लिक करती हूँ सेलेक्ट हो जाता है, 1 month के लिए भी ट्राई कर सकते हो। सोचा है कि 1 month में भी यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, कि मैं ना इस 1 महीने में अपने वीक टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेता हूँ कि कर लेती हूँ टर्म 1 के लिए, यू कैन डू दैट। ठीक है, एजी प्रो से डिस्काउंट भी मिला, किसी भी तरीके से पे करो, बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांतु। जैसे ही लॉग इन करोगे वेबसाइट पे, आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रो, आपको अपने माय सेशन के लिस्ट में उस बैच के सारे सेशंस दिखने लगेंगे। माय कोर्सेज में जाके आप वहां से कोर्सेज ले सकते हो, माइक्रो वाले भी, माइक्रो कोर्सेज के, केमिस्ट्री सेलेक्टेड है, फिजिक्स, सोशल साइंस, सबके माइक्रो कोर्स आपको दिखाई देंगे और आप वो भी ले सकते हो। और बात क्या है कि पुराने सेशन के रिप्ले कैसे देखोगे, अपकमिंग सेशन यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, क्लिक करोगे पास पे ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ से रिप्ले देखो और नोट्स डाउनलोड करो। दिखाओ, रिप्ले पे क्लिक किया, रिप्ले अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी क्विज हुए, जितने भी इंगेजमेंट थी पूरी क्लास की आपको दिख रही है, और सारे के सारे डाउट्स भी सॉल्व होते हैं। 143 डाउट्स आस्क्ड, 143 डाउट्स सॉल्व, तो ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स विल गेट सॉल्व एट दिस प्लेटफॉर्म। तो एक मौका देना चाहिए, आई थिंक देना चाहिए, फ्रूटफुल होगा, बिल्कुल फ्रूटफुल होगा, यू सी द डिफरेंस। या चलो इसी नोट पे आगे बढ़ लेते हैं और आगे सुनते हैं कि मास कैसे निकाला जाता है मॉलिक्यूल का, बैक या ग्रेट, थम्स अप दे दो, सब बढ़िया।
एटॉमिक मास मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि एटम के मास को निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए, कार्बन 12, है ना। कि एटम का मास इतना छोटा है, डायरेक्टली याद करना इजी नहीं है। रेफरेंस में ले लेते हैं, किसी के रिलेशन में याद कर लेते हैं, वो था कार्बन 12। 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। एक कार्बन एटम के 12 हिस्से करो, एक हिस्सा ले लो, वही 1/12 हुआ। उसको एक यूनिट मान लिया गया एज अ रेफरेंस, और बार बार एटम के मास को उससे कंपेयर करके वो रिलेटिव मास निकाला गया कि उस यूनिट के कंपैरिजन में आपके एटम का मास कितना है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सो ऑन। मॉलिक्यूल का मास क्या निकालोगे? सेम है कि उस यूनिट यूनिट को मैं मॉलिक्यूल के मास से कंपेयर करूंगी, कि उसका मास जो भी ग्राम में है, जितना भी छोटा है, लेट्स कंपेयर इट विद 1U। और उससे कंपेयर करने के बाद जितनी वैल्यू आ जाती है, जैसे H2O में वो आती है 18U, यानी कि उस रेफरेंस के कंपैरिजन में मेरे वाटर का मास 18 टाइम्स है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल मास का लेकिन इजी तरीका है निकालने का। एक तरीका तो क्या है मॉलिक्यूलर मास निकालने का? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने का। जैसे मैंने बताया कि मैं कार्बन 12 से कंपेयर कैसे करूंगी, मास ऑफ दैट गिवन मॉलिक्यूल जो ग्राम में होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है याद करना, उसको कंपेयर कर रही हूँ 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। और वो पोर्शन क्या है, उसको 1 यूनिट माना है, जितना भी उसका मास होता है मैं इसको कंपेयर करूंगी, तब मेरे मॉलिक्यूल का मास आ जाता है यूनिफाइड वे में, रिलेटिव वे में। डिफिकल्ट है याद करना, बट मास ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे याद कर सकते हैं ना, बेटर वे कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटर वे में, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है उन सब के एटॉमिक मास को ऐड कर दो, आपके मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जैसे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, इन तीनों एटम के जो मास है उसको ऐड कर दो एटॉमिक मास को, यू विल गेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल। इजंट इट सिंपल? कैसे सिंपल है मैं बता देती हूँ। मुझे CO2 का मास निकालना है, आई हैव 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। एक कार्बन एटम का मास होता है 12 यूनिट। आई हैव 2 ऑक्सीजन ऑल्सो, एक ऑक्सीजन एटम का है 16, 2 का 2 × 16 है ना, तो 12 यूनिट + 16 × 2 = 32 यूनिट। And here comes 44 unit. तो CO2 का मास है 44 unit. कि एक U के comparison में, unified mass के comparison में, मेरे CO2 का मास 44 times है. Let's take sulfuric acid का example. 2 hydrogen है, 1 sulfur है और 4 oxygen है. Let's try to solve that. 1 hydrogen का 1 unit, 1 sulfur का 32 unit, atomic number है 16, mass हो जाता है double. 4 ऑक्सीजन है, ये 40 मत मान लेना, एक का है 16, तो 2 + 32 + 64 कितना आएगा? 98। बस आ गया आंसर। ऐसे ही निकालना, इजी था ना, डिफिकल्ट था? मुझे बताओ जल्दी से अभी चैट सेक्शन में, नहीं था ना, बस इतना ही है। इसी तरीके से यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल। जिंक ऑक्साइड का 1 जिंक और ऑक्सीजन के मास को ऐड कर दो, जिंक का 65, ऑक्सीजन का 16, ऐड करोगे 81 आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो कुछ और एग्जांपल भी अटैच किए, देख लो आराम से। एंड व्हाट यू ऑल हैव टू ट्राई एट होम, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगी इतना बड़ा होमवर्क दूंगी, इसमें से 3 का मास मुझे निकाल के दिखा दो, ठीक है? एटलीस्ट थ्री कंपाउंड्स का मास आप मुझे निकाल के दिखाओगे। दिखाओगे कि नहीं बता दो, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाओगे, मुझे पक्का पता है दिखाओगे। ठीक है, तो अब हम अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि कुछ एटम ना क्या करते हैं, बेगर और किंग वाली रिलेशनशिप रखते हैं, कि देन लेन में बिलीव करके आयोन्स बना लेते हैं, चार्ज पार्टिकल। वो कैसे जुड़ते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो वेट करना है अगली क्लास का, होमवर्क सबमिट करना है टाइम से, VIP में भरोसा दिखाना है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस पक्का और गारंटी वाला है। या मेरे बैच ज्वाइन करना है तो लेट मत करो, दोनों बैच 16th को हो चुका है, 30th को होने वाला है। ये नहीं है बेटर लेट देन नेवर, टाइम से ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, गेट प्रो क्लासेस विद 10% ऑफ अगर आप अप्लाई करेंगे AG Pro। और मुझे बताना यार सेशन कैसा लगा। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझ आए। कुछ लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी नो, मैं अगली क्लास में उसको स्टार्टिंग में समराइज कर दूंगी, बिकॉज आई रियली बिलीव इन हेल्पिंग यू ऑल। और होमवर्क का आंसर टाइम से कंसिस्टेंटली पढ़ के देना है, फिर से फर्स्ट बम मिलेगा मैम से।
Thank you so much, students. Do not forget to like, share and subscribe the video. Hoping के वीडियो के अंत तक आखिर में हमें एटलीस्ट 350 टू 400 लाइक्स मिले. लेट्स सी, आई डू बिलीव इन पावर ऑफ यू स्टूडेंट्स. डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, रीच आउट टू मी ऑन ईमेल इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम. अगली बार मिलते हैं विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स, अच्छे से पढ़ेंगे. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हास्ता लविस्ता. लेट्स मीट सून.